सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल पे मसीह परिवार चैनल पे अलग अलग पास्टर्स की वीडियो को अपलोड करते हैं। अगर आप भी अपनी वीडियोस को, अपनी मिनिस्ट्री की वीडियोस को, अपनी टेस्टिमनीज को हमारे चैनल मसीह परिवार चैनल पे अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9041690174। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, अलग अलग पास्टर्स की वीडियो देखना अच्छा लगता है, ब्लेसिंग अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जब उसके साथ समय व्यतीत करेंगे, रोज प्रेयर में जाएंगे, फास्टिंग में जाएंगे, एक छोटी चीजों में वफादार रहेंगे। कौन सी चीजें? बोलो पड़ोसी को, छोटी चीजें, छोटी बातें। अगर आप उसमें वफादार रहेंगे परमेश्वर के साथ, वो आपको बड़ी चीजें देगा, बड़ा मसा देगा, बड़ी सेवकाइयां देगा, बड़े काम देगा, बड़े फाइनेंस देगा। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। किसी के गिरने का कारण नहीं बनना, किसी की तरक्की का कारण बनना है। कई बार आप टेस्टिमनी सुनते हैं कि मैं 35 साल से वेट कर रही थी बेबी का, मैं 22 साल से वेट कर रही थी, एक दिन आपने प्रेयर की थी स्पेशल आगे बुला के। वो क्या था? परमेश्वर ने उस दिन प्रोफेटिक वर्ड दिया कि आज इनको आगे बुलाकर इन पे स्पेशल प्रेयर करना है। और अब तक टेस्टिमनीज आती हैं उन चीजों की। सुनते हो आप ना, इज़राइल से मुझे शॉल मिले, प्रेयर शॉल, लोग लेके आए मेरे लिए प्रेयर शॉल, और वो शॉल मैं अपने प्रेयर रूम में ले गया और परमेश्वर ने कहा कि इस प्रेयर शॉल से सब पे ले हैंड करना है बड़ी मीटिंग्स में, और मेरे रूम में पड़ा है वो। अब क्या होगा? जब परमेश्वर आपको आवाज देता है उसमें आपकी हीलिंग भी छुपी रहती है, डिलीवरेंस भी छुपी रहती है। और जब बिना आवाज के एक पास्टर काम करेगा, वो स्ट्रगल करेगा अपनी लाइफ, सेवकाई में स्ट्रगल, फाइनेंस में स्ट्रगल, हर चीज में उसको स्ट्रगल लगता है। और बहुतेरे तो बुलाए नहीं गए हैं इंडिविजुअल सेवा करने के लिए, अलग सेवा करने के लिए नहीं बुलाए गए, पर उनको शौक है। आपको शौक है इसका मतलब ये नहीं परमेश्वर ने उसको अप्रूव कर दिया। आपको एग्जैक्ट मालूम होना चाहिए प्रभु ने आपसे क्या काम लेना है। वो सुनने से पहले, उसको समझने से पहले, आपकी प्रेयर लाइफ, आपका मेडिटेशन, खुदा के साथ समय व्यतीत करना, संसार से अलग रहना, आप उसी संसार में रह सकते हो, वही जॉब कर सकते हो, लेकिन उनके जैसे काम, उनके जैसे थिंकिंग, थॉट, ठट्ठा, मजाक, ही हु हु आप बंद कर सकते हो, क्योंकि आपको एक ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रभु ने दी है, एक ग्रेटर कॉलिंग आपकी है, एक बड़ा काम करने की, लोगों को बचाने की, एक हायर लाइफ जीने की। वो ठट्ठा करने वाले, ही हु करने वाले जो 10 साल पहले भी ही हु करते, जाओ देखो तो जी वो कहां बैठे हैं? वो वहीं बैठे हैं। आप भी वहीं बैठना चाहते हैं क्या 10 साल? नहीं, आप नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मैंने कहा आप नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो। आज की मीटिंग में आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन होगी और आपको रास्ते नजर आएंगे, नए लोग आपकी लाइफ में एंटर करेंगे, डिवाइन हेल्पर्स में आपको मिलेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। क्या था मेरे पास? कुछ नहीं, लेकिन रोज परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताना, ये मेरी लाइफ बन चुकी थी। रोज 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 आप इमेजिन करो, मेरे रिश्तेदार मुझे इनवाइट करना बंद कर दिया 20 साल। उन्हें मालूम था ये नहीं आएगा, कि सुबह से शाम तक मुझे काम करना जरूरी होता था। जब इस चर्च में 7,000 लोग थे, मैं तब भी अपना बिजनेस करता था टाइल्स का। आज 200 लोग हो जाएं, प्रभु वड्डी कट्टी, मैं काम छट लगा। हालेलुया। 7,000 लोग और फिर भी मैं काम कर रहा था, चाहे मेरा अपना ही बिजनेस था, वो मेरी फैमिली बिजनेस था। और जब मुझे लगा कि अब बहुत ज्यादा लोग बढ़ गए हैं, मुझे समय देना पड़ेगा और मैं उस बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर सकता, उसमें मेरी जो पवित्रता है उसमें अगर कमी हो सकती है, तो बिजनेस को मैंने चेंज किया। आज भी
मैं अपने बिजनेस से कमाता हूं, चर्च की ऑफरिंग मेरे पास नहीं आती। अगर आप 100 रुपए डाल के जा रहे हो तो खुदा के कामों के लिए जा रहे हैं। आपकी ऑफरिंग में मैं देखता भी नहीं हूं, सिर्फ बैंक से मैसेज आता है। वो रिश्तेदार आए थे ना ढूंढने, उनको भी मिला कुछ नहीं था, वो भी बैंक चले गए थे। आपने डाला 25, 50, 100 लोग उसे गिनेंगे, इन हाउस सीए, बाहर के सीए, अंदर के सीए, सब उसे चेक करेंगे, बैंक में चला जाए, जो भी लेना है उसके बाद चेक से लेना है। उसके ऊपर भी टीम्स बैठी, वो एक मशहूरी आती थी ना, ढूंढते रह जाओगे यहाँ कि ढूंढ कि सारा कुछ तो चला गया भाई। अगर मुझे पैसा कमाना होता मैं यहां नहीं होता, मैं यूएसए में होता। आज भी अगर मुझे पैसा कमाना है मैं यूएसए जा सकता हूं, मैं इतना कमा सकता हूं अपने इसी काम से कि मैं एक प्लेन ले सकता हूं एक साल में अपना पर्सनल। अगर मुझे कमाना है मैं चला जाऊंगा, मुझे यहां यहां जरूरत नहीं है 2 नंबर की कमाई की। अगर मुझे कमाना है मेरे लिए दुनिया खुली है। आपको यह समझना है कि परमेश्वर क्या चाहता है। पैसा कमाना और परमेश्वर के काम को मिस कर जाना वो श्राप के समान है। और किसके लिए कमाना? क्या सोने के सूट डाल लोगे, चांदी के सेब खा लोगे? संतरा तो वही आएगा ना 10 रुपए का ही, तो जितना चाहिए परमेश्वर दे रहा है। इन डिस्ट्रैक्शन से जब हट जाओगे ना और परमेश्वर पर ध्यान लगा लोगे सुधर जाओगे तो और ब्लेस हो जाओगे। क्योंकि गरीब को क्या लगता है, अमीर की जब वो देखता है, ओ बल्ले रोज चिकन मटन चलता हो ना, और अमीर के घर में भी हफ्ते में एक दिन पक रहा है, क्यों? पैसा बहुत है लेकिन सेहत का ध्यान रख रहा है। गरीब के घर में भी एक दिन पक रहा है, खाना रोज चाहता है पर पैसे नहीं, पर खा दोनों एक टाइम रहे हैं, पर गरीब कुड़कुड़ करता जा रहा है बेचारा। इसलिए परमेश्वर ने कहा जो गरीब है वो दुखी ना हो, रोने वाले ऐसे हो जैसे रोते नहीं, आनंद करने वाले ऐसे हो मानो आनंद नहीं करते। क्योंकि ध्यान कहां लगा के रखना है? परमेश्वर की ओर। ये अगर आज नहीं है कल आ जाएगा, डोंट वरी, खुदा को संभाल के रखो। बैलेंस खुदावंद करके रखता है। कोई अमीर है इसका मतलब ये नहीं वो 24 घंटे मांस मच्छी मटन और पनीर खा रहा है। दिमाग में रखो कि खुदा ने आपको एक काम सौंपा है, पवित्रताई में रह के उस काम को पकड़ो, उस पे चलो, वो आपकी लाइफ को हेवन कर देगा धरती के ऊपर। आप ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।